हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है सोमी का नया रेडमी वाई वन। ये मैंने अमेजोन से आज से 4 दिन पहले ऑर्डर किया था और आज मेरे पास आ गया ये नया रेडमी वाई वन। अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया है, तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, अब ये है मेरा ऑर्डर नंबर। इसका मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। इसको मैंने फर्स्ट सेल में ही परचेज़ किया था। 8 तारीख को इसका फर्स्ट सेल आया था, तो उस दिन मैंने परचेज किया था। अब अंदर से सबसे पहले आया ये मेरे पास बिल, तो देख लो आप, ये नया रेडमी वाई वन का बिल। अब देखते हैं अंदर क्या है। और ये रहा इसका बॉक्स। अब देखते हैं इसके अंदर इसके सारी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। डुअल सिम है। सबसे अच्छी बात जो Xiaomi ने नया इस रेडमी वाई वन में किया है कि 3 स्लॉट दिया उन्होंने। पहले जो आता था, जितना भी Xiaomi रेडमी का वाई नोट 4 है या रेडमी 4 है या 4 ए है, तो उसमें आता था बस आप 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हो। बट इसमें Xiaomi ने नया किया है, आप 2 सिम लगा सकते हो और 1 SD कार्ड भी लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। वो मैं ट्राई करके आपको फिर से बताता हूँ क्या कैसा है। चलो अब इसका रैपर खोलते हैं। ये आ गया हमारे सामने नया Redmi वाई वन। अब देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो पैकेट के अंदर से ये आया नया Redmi वाई वन फ़ोन, और साथ में ये कुछ पम्पलेट उसके, ये यूज़र मैनुअल गाइड है, इसको पढ़ूंगा मैं कुछ देर बाद। फिर से इसके अंदर से एक आया है ये USB केबल, एक सिम इजेक्टर, और ये एक पोर्टेबल पावर एडेप्टर है। ये टोटल इस बॉक्स में आया है मेरे पास। तो अब इसे बूट करते हैं। चलो, ये बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। बस यहाँ से इसमें आ गया है ये पावर बटन, जो कि मेटल नहीं है, मेटल का फील आता है, बट ये प्लास्टिक ही है। और ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और ये 3.5 mm का जैक है जहाँ से आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो, ईयरफोन लगा सकते हो, और ये रिमोट कंट्रोल के लिए जो MI रिमोट का फीचर्स आता है उसके लिए। यहाँ पे फ्रंट कैमरा है जो कि 16 MP का है, काफ़ी अच्छी बात है। और ये सेंसर और फ्लैश लाइट, यहाँ से हमको मिल जाता है ये चार्जिंग पोर्ट, और ये है स्पीकर, और ये माइक्रोफोन। यहाँ पीछे में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फ्लैश लाइट है, और 13 MP का रियर कैमरा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। कलर मैंने गोल्ड ऑर्डर किया था। और ये सिम कार्ड स्लॉट है, तो मैं आपको पहले अभी सिम कार्ड स्लॉट दिखाता हूँ कैसा है। किधर गया सिम इजेक्टर? ओके, तो मैं इजेक्ट करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर रेडमी ने क्या नया दिया। ये देखो, इस ट्रे में आप देख सकते हो कि 3 स्लॉट है। पहले इसके अंदर आता था बस 2 स्लॉट होते थे, एक सिम कार्ड लगा सकते हो और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। बट अभी है कि आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो और एक माइक्रो एसडी कार्ड, जो कि यहाँ पे लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो Xiaomi ने इम्प्रूवमेंट किया अपने नए रेडमी वाई वन में। तो इसके वजह से भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने ये 32 GB और 3 GB वाला ऑर्डर किया था, इसका प्राइस मेरे को 9,000 रुपये। अब ये देखो, इसकी बूटिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है, फ़ोन अब हमारा ऑन हो चुका है। अब देख सकते हैं टच एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। और सबसे अच्छी बात अमेजोन वालों की, कि 8 तारीख को ये फ़ोन लॉन्च किया था, 8 नवंबर 2017 को, और आज 11 तारीख है, 11 नवंबर 2017। काफ़ी फास्ट डिलीवरी की है उन्होंने। वैसे हफ्ता 10 दिन लगा देते हैं, बट अभी 3 दिन में ही डिलीवरी आया। काफ़ी अच्छा फ़ोन भी, काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, स्लिम है, लाइट इन वेट है, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है इस फ़ोन का। तो चलिए कैमरा टेस्ट, थोड़ा सा, बस छोटा सा कैमरा टेस्ट करते हैं इसका। तो इसको कर देते हैं अलाउ। ओके, फ्लेक्स मारो, बेटा को पिक्चर लो। देखते हैं। यहाँ ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, यहाँ वीडियो ऑप्शन है, वीडियो कर सकते हैं। बैक कैमरा इसके कुछ खास नहीं है, बस रेडमी 4 की ही तरह है। अब इसका देखते हैं फ्रंट कैमरा क्या है।
ये है इसका फ्रंट कैमरा, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट जैसा 16 मेगापिक्सल इन्होंने बताया है सेल्फी कैमरा, कुछ खास नहीं है उसके हिसाब से, बस सही है। 9,000 में सही है यार, बजट फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया है इन्होंने। छोटा सा अनबॉक्सिंग था, थैंक यू।